श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की इस रविवारीय सत्संग सभा में सभी हरि भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय स्वामी नारायण। हम सभी कई दिनों से पवित्र चातुर्मास के अंदर पारायण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन है। इसी श्रृंखला के अंदर आज भी हम रक्षाबंधन पर्व पर पारायण का लाभ प्राप्त करने वाले हैं। आइए आज के इस सत्संग की शुरुआत करते हैं भगवान के धुन गान से। आज दुनिया के अंदर हमारे लिए बहुत प्रकार की सुविधाएं हो गई है। कहीं फायर होता है तो फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं, कहीं चोरी होती है तो पुलिस वाले आ जाते हैं, एक्सीडेंट हुआ हो तो एम्बुलेंस प्राप्त हो जाती है।
छोटे बड़े शरीर के कोई प्रश्न हो, दुख हो, रोग हो, तो उसके लिए डॉक्टरों की व्यवस्था है। लेकिन जो भव रोग है, जो हम स्वभाव से पीड़ित है, जो दुर्गुणों से पीड़ित है, हम इस जन्म मरण के रोग से जो हम पीड़ित है, उसके निवारण के लिए दुनिया में कोई भी दवाई नहीं है। हमें कुछ हो जाता है तो लोग हमें मदद करते हैं, हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र, फिर पुलिस है, डॉक्टर है, ये सभी हमें मदद करने के लिए तैयार हैं। इन सभी छोटी बड़ी परेशानियों से, ये जो समाज में व्यवस्था है, उसके कारण हम उस परेशानी में से बाहर भी निकल कर आते हैं। लेकिन ये जो भवरोग है, जन्म मरण का रोग है, उसका तो बस केवल एकमात्र उपाय है, वो भगवान और गुरु। तो ये भगवान और गुरु है, वही हमें इस भवरोग से मुक्त कर सकते हैं। ये जो हमारी भवरोग की पीड़ा है, जन्म मरण के रोग की पीड़ा है, उस पीड़ा से हमें भगवान और गुरु ही मुक्ति दिला सकते हैं। तो इसके लिए हम भगवान और गुरु को ही प्रार्थना कर सकते हैं। एक कीर्तन में कहा गया है, हरि बिन कौन हरे मोरी पीर, रक्षा करो घनश्याम, हरि बिन कौन हरे मोरी पीर। आइए इस कीर्तन को सुनते हैं संगीतज्ञ वृंद से। तो संगीतज्ञ वृंद से निवेदन करते हैं कि हमें इस कीर्तन से लाभान्वित करे, हरि बिन कौन हरे मोरी पीर।
रोग कष्ट सब दूर करो हरि, बिनती करत घनश्याम। रोग कष्ट सब दूर करो हरि, बिनती करत घनश्याम। बीच भंवर में नैया हमारी, बीच भंवर में नैया हमारी, पार करो घनश्याम। हे घनश्याम, हरि बिन कौन हरे मोरी पीर, हरे बिन कौन हरे मोरी पीर, हरे बिन कौन हरे मोरी पीर। हमारी अधूरी न रह जाए, डर लगत घनश्याम। भक्ति हमारी अधूरी न रह जाए, डर लगत घनश्याम। भक्तन को प्रभु आश तिहारी, भक्तन को प्रभु आश तिहारी, सुन ले है घनश्याम। हे घनश्याम, हरि बिन कौन हरे मोरे पीर, हरि बिन कौन हरे मोरे पीर, हरि बिन कौन हरे मोरे पीर। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं, जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधीपम्। ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैः वेदादिकीर्त्यं विभुं, तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा।
ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात् हम संगीतज्ञ संतों के बहुत बहुत आभारी है। उन्होंने सुंदर कीर्तन का हमें यहाँ लाभ प्रदान किया। रक्षा करो घनश्याम, जिन घनश्याम महाराज से हमें हमारी रक्षा के लिए, इस भव रोग से हमारी रक्षा हो उसके लिए प्रार्थना करनी है, वही घनश्याम महाराज आज महंत स्वामी महाराज के द्वारा इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। आइए गुरुहरि महंत स्वामी महाराज के दिव्य दर्शन करते हैं वीडियो के माध्यम से। जीवन पथे चाला हमें तब आंगड़ी पकड़ी सुखे जीवन पथे चाला हमें पण आम हमने तजी चाला तमें हे प्रमुख स्वामी खोड़ो गुमाव्यो मातनो छायो स्वामी वर्णवु शुमुख थकी हे प्रमुख स्वामी धूल तमारो हे प्रमुख स्वामी ऋण तमारो कदी चुकवाशे नहीं कदी चुकवाशे नहीं
नभ तार लातेनी प्रेम थी आरती करे। तब धाम गमनी हजारू हैये श्रद्धांजलि उभरे। पत्रकार होके उद्योग अग्रणी अभिनेता के राजनेता सर्व को मना सज्जनों पधारी आदर थी अंजलि देता। अंजलि देता जगन्नाथ में राजा खरा रमता तमें सौ दिल मही। हे प्रमुख स्वामी ऋण तमारो। हे प्रमुख स्वामी चुकवाशे नहीं। हे प्रमुख स्वामी। हे प्रमुख स्वामी ऋण तमारू कदी चुकवाशे स्वामी छे भक्त।
जात हरि तीर्थ धाम मंदिरो मासो देवो ने वंदे छे भक्ति संपोषकाय नमः भक्ति संपोषकाय नमः भक्ति संपोषकाय नमः 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 इष्ट देवना दर्शन करता अंतर आनंदे छे महिमा अपरंपार हरिनो महिमा अपरंपार हरिनो कहता उर धरिए कहता आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन है। हम सभी भाग्यशाली है कि आज के दिन के ऊपर सारंगपुर स्थित सद्गुरु वर्य पूज्य विवेक सागर स्वामी जी, जिन्होंने ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज के हाथों से दीक्षा प्राप्त की है, ऐसे विवेक सागर स्वामी जी का हमें सत्संग प्राप्त होने वाला है। ये जो हम आज रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो ये रक्षाबंधन की क्या महिमा है, ये रक्षाबंधन उत्सव का मर्म क्या है, इसके पीछे क्या भावनाएं जुड़ी हुई है, इन सभी विषयों पर हमें सुंदर कथावार्ता का लाभ प्रदान करेंगे। उससे पहले हम पारायण की पूजन विधि में जुड़ते हैं, तो घर पर उपस्थित इस सत्संग का लाभ ले रहे सभी हरिभक्तों से निवेदन है कि पूजन सामग्री तैयार रखेंगे। सर्वप्रथम हम पारायण पूजन विधि का लाभ प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात पूज्य विवेक सागर स्वामी जी से निवेदन करेंगे कि आज के रक्षाबंधन महिमा, रक्षाबंधन का मर्म, इस विषय पर हमें अपने सुंदर वक्तव्य का लाभ प्रदान करें पूज्य विवेक सागर स्वामी जी। अथ पारायण पूजन विधि ही। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमम च परमम धामाक्षरम ज्ञानदम वंदे प्रागजि भक्तमेव मनघम ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महंतगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा शांति पाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतिं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा हरिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु प्रधानसंकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामी नारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत् अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानां अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव दिव्य दृष्टि सुहृद भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामी नारायण गुरु हरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरु हरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिक पारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजताम स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं
स्वामी नारायण प्रभो। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु भिर्व्यशेमहि देवहि तञ्जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। गुणातीतोक्षरम ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम जनो जानन्दिदं सत्यम मुच्यते भवबंधनात्। वैदिक की सनातन संस्कृति में त्यौहार पर्व और व्रतों का एक अनूठा स्थान है और इस चातुर्मास में तो पर्वों की भरमार है। बहुत पर्व उसमें आते हैं और उसमें आज हम जो बात करने वाले हैं ये है श्रावणी पूर्णिमा की। श्रावणी पूर्णिमा का पर्व क्या है और उसमें क्या क्या उनकी कथाएं हैं ये अब हम सुनेंगे। अब देखिए कि जीव मात्र का ऐसा स्वभाव है कि हमेशा सलामती ढूंढता है, उसमें भय की भावना रहती होती है। हमारे सारंगपुर में जो मयूर होते हैं पीकॉक, वो भी रात को जो पेड़ पर ऊंचे स्थान पर वो आराम करते हैं ताकि कुछ बिल्ली आके मार न डाले। मनुष्य को भी भय हमेशा सताता है। पूर्व काल में वो मनुष्य समूह में रहता था, फिर हिंसक पशुओं से बचने के लिए घर बनाए, नगर बनाए, फिर शत्रुओं से बचने के लिए किले बनाए और फिर तो बॉम्ब युग आ गया, अणु बॉम्ब। और अमेरिका में एक फिल्म निकली थी द डे आफ्टर और उसमें जो बॉम्ब गिरेगा तो कितनी खाना खराबी होगी उसका वर्णन वो देखकर सुनकर सब हैरान परेशान हो गए वो लोग और उनको लगा कि क्या होगा। तो आप देखिए कि इनके लिए वो लोगों ने बंकर सब बनाए, शल्टर बंकर। हम स्विट्ज़रलैंड में थे तब हम जहाँ ठहरे थे वो सोसाइटी में नीचे बंकर थे, मैंने एक चक्कर भी लगाया था। लेकिन अभी तो ऐसा भी बॉम्ब बनाने वाले हैं कि बंकर में भी जाके फूटेंगे, क्या होगा, ऐसी परिस्थिति है। विदेश में देखो अपार्टमेंट में लोग रहते हैं तो क्लोज सर्किट टीवी रखते हैं, कोई नीचे से कोई आता है, कोई शत्रु है या मित्र है, उनकी पहचान हो जाए, इसलिए वो प्रवृत्तियाँ भी करते हैं। आप देखिए कि अमेरिका में एक दूसरी भी बात है कि सबको पैरानोया माने एवरीबडी इज अगेंस्ट मी, मेरी विरुद्ध में सब है, इसलिए कोई मुझे मार डालेगा, ऐसा डर रहता है। माने मृत्यु का डर बहुत है। बम बनाने वाले सब बम बनाए लेकिन मृत्यु को मारने का बम अभी कभी बना नहीं है, बम कभी नहीं बना है, तो ऐसी परिस्थिति है। तो आप देखिए कि ये तो भय की बात हुई, लेकिन आप देखिए अकेला मरने का भय नहीं है, दूसरे भी बहुत भय हैं। हमारे जो भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में बताए हैं कि भोग में रोग का भय है। देखो कुल में माने लांछन का भोग है कि कुल हमारा पवित्र हो, उसमें कोई इल्ज़ाम न लग जाए, वो भय रहता है। बल में शत्रु का भय है, जो रूप है उसमें वृद्धावस्था का भय है, शास्त्रों में वाद विवाद का भय है। और आप देखिए कि धन हो तो उसमें कोई चोरी न ले ले, वही वो भय होता है। राजनीति में आप देखिए कि अपना पद चला न जाए, वो भय रहता है। ऐसे बहुत भय के कारणों के द्वारा हम ऐसे कह सकते हैं वी हैव किल्ड द पोएट्री ऑफ लाइफ, हमने जीवन की मधुरिमा मार डाली। जीवन रक्षा वही जीवन हो गया तो फिर तो जीवन का उल्लास खलास हो गया ना।
तो ऐसा पशुदले जैसा हो गया, और इसलिए एक रक्षा का इस रक्षा को अमरत्व के साथ जोड़ी गई है रक्षा, जो रक्षा जिसको गुजराती में राखड़ी बोलते हैं, उसको अमरत्व के साथ वो जुड़ी गई है वो रक्षा। तो आप देखिए, आप समझो कोई भावना ही हो, लेकिन आप देखो यहाँ मृत्यु लोक में मृत्यु तो निश्चित ही है। रावण ने अमर रहने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन हमारे निष्कोण स्वामी लिखते हैं कि क्या गयु कुल रावण तणु सगर सुत साठ हजार जी न रहु नाणु राजा नंदनु सर्वे सुपन व्यवहार जी। उसका मतलब ये हुआ कि रावण भी नहीं बच सका, सगर के पुत्र थे 60,000 वो भी चले गए, नंद का जो धन था वो भी चला गया, ईरान का शाह उसकी धन संपत्ति भी अमेरिका ने ले ली, और वो भी ऐसे ही अपने आपने जो मित्र कोई थे माने लेबनान में वहाँ जाके गदा फीक है वहाँ जाके मरा, ऐसी परिस्थिति हुई। आप देखो यूगोस्लोविया का मार्शल टीटो, उन्होंने को बहुत इच्छा थी कि मैं मरूँ नहीं, लेकिन वो भी गए। आप आगे देखेंगे कि अमेरिका का सुप्रसिद्ध गायक माइकल जैक्सन, उसको ऐसा था मैं 150 साल से ज़्यादा मेरा जीवन रखूँ, लेकिन वो भी गया। वो ऑक्सीजन के सिलेंडर का प्रयोग करता था, वो भी बचा नहीं। आप देखो कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, और वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने वाले भी गए, उसका नाम मैं नहीं देता, आप सब जानते हैं। और आप देखिए कि एरोप्लेन में जो सेफ्टी बेल्ट रखते हैं, लेकिन एरोप्लेन ही गिर गया तो सेफ्टी बेल्ट से कहाँ बचेंगे, ये भी समझना जैसा है। इटली में पोम्पी शहर है, एक समय में वहाँ वॉल्केनो ज्वालामुखी वो फटा और उसमें से लावा निकला, लावा रस बोलते हैं, तो सब भागने लगे। तो एक बूढ़ा था, एक गहने की पिटारी बहुत बड़ी थी वो लेके भागता था, और उसका लड़का भी साथ में था। उसने बोला पिताजी आप दौड़ नहीं सकते कि आपको ये पिटारी का ये जो बॉक्स है ना उसका बहुत वजन लगता है, मुझे दे दीजिए मैं दौड़ता हूँ, मैं आपको आगे दे दूँगा। उसको विश्वास नहीं हुआ कि लड़का देगा या नहीं देगा, और फिर तो पीछे लावा आया और वो जो बुढ़ा वो गहने के साथ उसमें खलास हो गया। ऐसी परिस्थिति आती है, देखो इस पृथ्वी पर माने भूकंप आता है, अतिवृष्टि अनावृष्टि सुनामी माने जो प्रचंड जंजानील होते हैं वो भी प्रलय की आदि देते हैं। इसलिए हमारे स्वामी जी बोलते हैं निष्कान स्वामी, प्रकृति पुरुष प्रलय में आवे भव ब्रह्म न रहे कोई ले 14 लोक धाम रहवाना पामे सर्वे नो संहार हो रे। माने प्रकृति पुरुष तक काल तक चलता है और वहाँ सब मरते रहते हैं, इसलिए ऐसी परिस्थिति है। मनुष्य ने ऐसा माना है कि देह की रक्षा वो इसको ही जीवन माना है, इसलिए क्या करता है कभी इसकी रक्षा के लिए मलिन देव देवताओं का आश्रय लेता है, माने दोरा धागा उनका सब एक सब करता है। और आप देखिए गीता में भी कहा है कि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, जो जन्म जिसका हुआ उसके लिए मृत्यु निश्चित ही है। इसलिए ये समझना जो निश्चित चीज़ है उससे डरना क्या, इसलिए अपना आश्रय छोड़कर अपने दूसरे आश्रय में कैसे जा सकते हैं। लेकिन एक बात सच है कि जहाँ काल का हाथ पहुँचता नहीं है वो है भगवान। वो भगवान भी देखो अपने देह की रक्षा कभी न भी करे, फिर जीव की रक्षा तो करते हैं। हम सोचे कि जीव की रक्षा कैसे हो सकती है, जीव तो अजर अमर अविनाशी है, नित्य है, अजो शाश्वत हो, ऐसी चीज़ है तो कैसी रक्षा। तो ऐसा समझना कि जीव की रक्षा माने जीव एकांतिक धर्म से गिर न पड़े, और उसके लिए ऐसा एक कवच हमने दिया है। आप देखो इस प्रकार की रक्षा भगवान की शरणागति से होती है, हमारी जो एकांतिक धर्म की रक्षा हो, हम भगवान के मार्ग से गिर न पड़े, तो ये जो रक्षा है ना ये भगवान की शरणागति से होती है। गीता में बताया कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वह ये प्रपद्यंते माया मेताम तरंती थे, जो माया है उसको तैरना हो तो मेरी शरणागति अत्यंत आवश्यक है, इसलिए ये भगवान की शरणागति रखनी चाहिए। 18 अगस्त 1997 में गुणातीत नगर भादरा में प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा था कि भगवान के शरण में जो आए वो आया वो सच्चा रक्षाबंधन है,
भगवान के शरण का शरणागति हमने ली, वही सबसे बड़ा रक्षाबंधन है, क्योंकि तू मेरी जकड़म है तो मैं तेरी फकरम है, ऐसी वो लोग बात करते हैं। स्वामी श्री ने ये बात हमें बताई कि रक्षाबंधन से देह कभी अमर ना हो जाए, लेकिन जीव अमर हो जाता है, माने उनके मस्तक पर से जन्म मरण निकल जाता है। बहुत कितनी कृपा हो गई, सत्संग में से वो पीछे नहीं पड़ता है। तो ऐसी रक्षा हमेशा भक्तों को मांगनी चाहिए। आप देखेंगे आत्मा का जो रक्षा कवच के सामने के रक्षा कवच जैसा कोई दूसरा उपाय महाराज ने बताया है, कैसे बताया, देखो एक एक रक्षा किया, दूसरा उपाय बताया है कि ऐसा मानना कि मैं आत्मा हूँ, अक्षर हूँ और ब्रह्म हूँ, और मेरे में परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण अखंड विराजमान है, ऐसे समझेंगे ना तो ये भी रक्षा का बड़ा कवच है। देखो परीक्षित को साफ हुआ कि 7 दिन में तेरी मृत्यु होगी, वो गरवा गया और उसको भाग्ययोग से सुखदेव जी जैसे गुरु मिल गए और उनको भागवत सुनाया, माने 7 दिन तक भागवत की कथाएं सुनी, और उसमें उसको मालूम पड़ गया कि ये तो सब नाशवंत है, तुच्छ है, सब क्षण भंगुर है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और उसको ब्रह्म रूप होकर परमात्मा की भक्ति करनी है। तो ऐसी बात उसके मगज में बराबर बैठ गई। तो 7 दिन के बाद देखो समझना कि ये तक्षक आया, और उस समय में उसको काटा भी सही, लेकिन उनको मालूम ही नहीं था कि तक्षक मेरे पास आया है और मुझे काटा है, क्योंकि तो ऐसा समझता था अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म अहम परमम पदम, मैं तो ब्रह्म हूँ और मुझे मैं परीक्षित हो ही मेरा नाम ही नहीं है, ऋषि का साप भी मुझे नहीं हुआ है, ऐसी सब विस्मृति हो गई और ब्रह्म भाव में स्थित हो गया। तो मरा तो सही लेकिन आत्मा जर अमर अमर वो आत्मा रूप ब्रह्म रूप हो गया। तो ये सबसे बड़ा अच्छा फायदा ये भी अच्छा है कि हमें अपने को ब्रह्म रूप मानना, तो ये सबसे बड़ी रक्षा है। तो ये बात समझने जैसी है। और जो रक्षा हमें मांगनी है तो ऐसी दूसरी भी रक्षा मांग सकते हैं कि नास्तिकों से भी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जो नास्तिक है ना वो हमको शास्त्रों से विमुख कर देते हैं और अपने में वो नास्तिक भाव भर देते हैं, भगवान है ही नहीं ऐसी बात भी बताते रहते हैं, तो उनसे रक्षा मांगनी, उनका संग न हो जाए। कूड़ापंथी माने जो व्यभिचारी पंथी होते हैं उनसे भी रक्षा मांगनी चाहिए कि हमें ऐसे जो कूड़ापंथी का संग न हो जाए। फिर शुष्क वेदांती जो उपासना ही नहीं है उसमें और अपने जात को केवल ब्रह्मो मानते हैं, परब्रह्म की भक्ति करने में कुछ नहीं मानते हैं, तो उनसे भी रक्षा मांगनी चाहिए। शक्तिपंथी जो मध्य मांस में जो देवी को भोग लगाते हैं वो सब उनका ग्रहण करते हैं, तो उनसे भी हमें रक्षा मांगनी चाहिए। और कुसंग है सबसे बड़ा, जो कुसंग है बाहर का कुसंग, ना खाना हम खा लेते हैं न पीना पी लेते हैं, तो उनसे भी हमें रक्षा मांगनी चाहिए। फिर अंतर का कुसंग जो हमारे में कुतर्क का होता है उनसे भी रक्षा मांगनी चाहिए। दूसरा सत्संग का में भी कुसंग के जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि कौन भगवान के धाम में पहुंचा, कौन क्या ज़रूरत है ऐसा भी धर्म नियम की, ऐसी बात करने वाले भी सत्संग में होते हैं। और ऐसा भी कुसंग कि अपने सत्पुरुष जो अपने गुरु है उसमें मनुष्य भाव बता दे, तो ऐसे से भी इससे भी हमें बचना चाहिए। तो ये सब रक्षा मांगनी चाहिए। कोई हमें अपमान कर ले तो हमको लग जाता है शब्द, तो वो पर फिर सत्संग में से गिर जाते हैं, तो ऐसा हमें कवच मांगना चाहिए कि हमें ऐसे जो शब्द है उनसे हमारी रक्षा हो जाए, ऐसे मांगना चाहिए। दूसरा हमारे भगवान स्वामीनारायण ने गरुड़ अंत प्रकरण के 39वें विचरण में बताया है कि हम ममत्व रूप माया से रक्षा मांगनी चाहिए, और प्रहलाद ने भी ऐसा ही मांगा है। देखो उन्होंने कहा कि हे प्रभु मेरे आप मेरे पर प्रसन्न हुए हो तो इंद्रियों के गण से मेरी रक्षा करना, क्योंकि चंचल है मति मोरी मैं भक्ति करूँ कैसे तोरी, क्यों नर हरि चंचल है मति मोरी, तो ये चंचल मति सिर हो जाए और इंद्रियों के गण से रक्षा हो, ऐसा प्रहलाद ने मांगा है, तो ये सब जरूरी है। आप देखें कि श्रावणी पूर्णिमा को समग्र भारतवर्ष में रक्षाबंधन नाम के पवित्र पर्व से लोग जानते हैं और उसको मनाते हैं। रक्षाबंधन की पौराणिक कथा भविष्य पुराण में जो बताई है मैं आपको थोड़ी सुनाता हूँ। आप देखिए कि देव और दानव वो 12 साल उनका संग्राम हुआ, देव दानव संग्राम
12 साल तक हुआ। उसमें दानवों ने इंद्र को जीत लिया, सब देवों को भी जीत लिया, और उस समय में इंद्र सहित तमाम देव तैयार हो गए फिर दानवों के साथ युद्ध करने के लिए। लेकिन डर तो बहुत था, तो उस समय में इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को रक्षाबंधन का पर्व का महिमा समझाया और एक रक्षा बांधी। उनके प्रताप से ये क्या हुआ कि दानवों को पराजित कर सके और फिर से श्रेष्ठ देव वो लोग बन सके। तो ये बात समझने जैसी है। तो आप देखिए कि ये बात भी समझने जैसी है। तो एक बात ऐसी भी समझ लीजिए कि आप प्रमुख स्वामी महाराज देश विदेश में घूमे, महंत स्वामी भी घूमते हैं, और उन्होंने कैसी रक्षा की विदेश में रहने वाले लोगों को अपनी भारतीय संस्कृति से विमुख न हो जाए इसलिए उनकी भाषा में बदल जाए, अपनी जो मातृभाषा है वो जारी रखे, क्योंकि अपनी संस्कृति भाषा पर निर्भर है। भाषा गई तो समझना संस्कार गया, तो भी स्वामी ने वहाँ ख्याल रखा है। अपनी जो भूषा है, जो आप कपड़े पहनते हैं, वहाँ तो ऐसा सेक्सी सोसाइटी है, माने कपड़े में कोई विवेक नहीं है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने ये विवेक भी सबको सिखाया। फिर भोजन में जो ये अपने आमिष मांसाहार चलता है, तो स्वामी श्री ने ये सबको माने शाकाहारी रहने का आदेश दे दिया है। फिर माने भजन, माने अपना जो धर्म है वो धर्म है, उनका पूरा पालन करना चाहिए, तो वो भी स्वामी ने सबको सिखाया। तो ये सब रक्षा विदेशों में भी प्रमुख स्वामी महाराज ने की है। अभी एक देखें कि महाभारत में भी कथा आती है कि कुंता जी ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को अमर रक्षा वो बांधी थी। खैर देह तो उनका गिर गया, लेकिन वो सर लोगों के हृदय में आज अभिमन्यु जीवित है, तो ऐसी उनकी रक्षा की। आप देखें कि जब बलि राजा ने जब वामन स्वरूप भगवान उनके पास आए थे और फिर तीन पाँव भर इतनी पृथ्वी मांगी थी और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं दे दूंगा, और फिर क्या हुआ कि भगवान ने तो विराट स्वरूप धारण किया, दो पाँव में तो सारा त्रिलोक आ गया, अब के तीसरा पाँव कहाँ रखूँ, तू वचन भंग हुआ है इसलिए मैं वरुण पास से उसे बांध दूंगा, तुझे बांध दिया। उसने बोला मैं वचन भंग नहीं हूँगा, बिल्ली बोलता है मेरा जो शरीर है ना, बलि कहता है वो भी एक पार्थिव है, रख दो सर पर आपका पाँव, और उन्होंने पाँव रखा तो अतल वितल और सुतल में उसको लगा दिया, और फिर भगवान प्रसन्न हो गया, माग माग बलि मैं तेरे पर प्रसन्न हो गया। उन्होंने बोला देखो भगवान अब मुझे तो मैं तो आत्मनिवेदन उन्होंने सब कर दिया था। उन्होंने बोला कि आपके दर्शन जो होते हैं ना, ये अखंड मुझे आपके दर्शन होते रहे। तो फिर भगवान वहाँ रह गए सुतल में, और उसमें ऐसा हुआ कि फिर लक्ष्मी जी को ऐसा लगा कि भगवान तो चले गए और सुतल में, मैं तो वैधव्य प्राप्त कर दिया, ऐसा ही हो गया मुझे मेरे लिए, तो फिर क्या करना चाहिए। तो उस समय में वो उन्होंने क्या किया, वो रक्षा ली जो उसको राखड़ी बोलते हैं, और श्रावणी पूर्णिमा आज के दिन वो गई बलि के पास और बलि को भाई बनाया और रक्षा वो बलि को बांधी, तो बहन बन गई ना। तो बहन मैं आपको क्या दे सकता हूँ, अरे क्या देने की बात है, मेरा जो पति है वापस दे दे। उसने बोला ठीक है। फिर भगवान ने कहा कि मैंने तो वचन दिया है कि मैं उसके द्वार पर हमेशा लिए खड़ा रहूँगा, तो फिर क्या करना चाहिए। फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश इनकी जो एक मीटिंग हुई और लोगों ने तय किया कि तीनों एक ही स्वरूप मानते हैं लोग, तो चार चार महीने के टर्न कर दिए। तो एक देव शयनी एकादशी से देव माने प्रबोधिनी एकादशी वहाँ तक विष्णु का ये टर्न आता है कि विष्णु ये वहाँ आ रहेंगे उनके द्वार के सामने। तो वहाँ गए लक्ष्मी जी खुश हो गए। तो देखो ऐसे जब लक्ष्मी जी ने बलि को रक्षा बांधी तब से रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई, ऐसे लोग मानते हैं। गुजरात में उसको बड़े शब्द बोलते हैं, उसको ऐसा हम ऐसा समझाते हैं बलि ईव, बलि जैसा, बलि ईव उसको जरा संधि करेंगे संस्कृत में तो बले हो जाता है, तो बड़े ऐसे गुजराती में बोलते हैं कि बलि जैसी आत्मनिवेदन भक्ति हमें करनी चाहिए, ये अभी हमें समझना है। आप देखिए कि ये जो आत्मीयता का जो स्नेह है, अमरता की शुभ भावना प्रसार करने वाला ये बहुत अनूठा उत्सव है जो रक्षाबंधन। और आज देखिए कि आज के दिन में भी बहुत बहुत उपयोगी है। जब लक्ष्मी जी ने
बलि को भाई बनाकर रक्षा बांधी, तो आज देखिए कि स्वार्थ पीड़ित संसार में निस्वार्थ संबंधों की अद्भुत घटना। भाई और बहन माने भातृ भगिनी भाव बोलते हैं ना, तो भाई और बहन के प्रेम के बीच की है। आप अपनी जो संस्कृति के स्मृतिकार मनु बोलते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। एक गुजरात में मैंने एक माने राजस्थान की बात है मेरे ख्याल से, मैना गुर्जरी की, और मैना गुर्जरी वो मैना थी, उनको एक मुसलमान बादशाह कुछ उसको उठाने के लिए आया था, ऐसी गुस्ताखी की थी उसने, और उस समय में उसको रोककर मैना ने कहा कि देखो मुझे अकेली मत मानना, मेरे 9 लाख गुर्जर, मेरे युवा, मेरे भाई मेरे साथ है। वो बादशाह डर गया। तो आज भी हम कह सकते हैं कि कॉलेज में स्कूलों में जो अपनी बहन जैसी जो जो लड़कियां हैं इनकी कोई ऐसे ही कोई माने कोई खराब उसकी दृष्टि से देखता हो और उनको कुछ पीड़ा देने के लिए तैयार हो गया हो, उसके ऊपर बलात्कार करने के लिए कोई तैयार हो गया हो, तो फिर हमारे गुजरात गुर्जर जो 3 करोड़ भाइयों हैं उनकी रक्षा के लिए उनको तैयार होना चाहिए। आज तो स्वयं वही खराब काम करते थे, क्या रक्षा करेंगे, ये बहुत पाठ लेना चाहिए। मैना गुर्जरी को इतना विश्वास था कि मेरे भाई है 9 लाख गुर्जर, वो मेरी रक्षा में खड़े हैं। तो ऐसे हमें हमारी पी बहनों को भी ऐसा रहना चाहिए कि गुजरात में हिंदुस्तान में विश्व में हमारे सब भाई हैं जो वो हमारी रक्षा के लिए हमारे लिए तैयार है। तो ये भी देखना, तो देखो हर एक स्त्री को संयम की दृष्टि से देखने का ये हमें समझना चाहिए। रक्षाबंधन का मर्म रहा है। और देखिए कि अपनी बहन को अनिष्ट तत्वों से रक्षण का छत्र देने की, आज अब मैंने ऐसा ही एक मैंने अपना भाई है ना, ये प्रॉमिस देता है उसको कि मैं आपके तेरी रक्षा करूँगा, और वो जो बहन है ये भाई के ललाट पर वो कुमकुम का टीला करती है, अक्षत लगाती है, और भाई की बुद्धि निर्मल रहे, अनिशुद्ध रहे, ऐसी भावना वो करती हैं। पहले के समय में आपको मालूम होगा कि जब मुसलमान बादशाहों के बेगमों को जो कोई सैनिकों पकड़ कर अपने अपने हिंदू राजा के पास लाते थे, तब वो बहुत दुखी हो जाते थे कि देखो ये तो बहन मानी जाती है, इसलिए उनकी रक्षा करना चाहिए। हमारे हिंदू राजा ऐसे थे कि जो बेगमों भी पकड़ी गई होती है उनको कभी अपनी रानी नहीं बनाते थे, उनको बहुत इज्जत से वापस भेजते थे बहन करके। तो यही हमारी भारतीय संस्कृति का ये मर्म है। आप देखिए कि पूर्व के समय में अन्य दुष्टों की रक्षा के लिए स्त्री है पति को रक्षा बांधती थी, अभी बहन है वो भाई को बांधती है। आप देखिए समाज में चारित्र शक्ति मजबूत करने का इसमें मर्म है। पुरोहित लोग जब रक्षा बांधते हैं ना पुरोहित, तब एक श्लोक बोलते हैं कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम हमि बदनामी रक्षे माचल माचल। उसका अर्थ ऐसा हुआ कि दानवराज महाबलवान बलि राजा जिसके द्वारा माने रक्षा रक्षित था, वो रक्षा मैं यजमान आपको बांधता हूँ, और मैं रक्षा को प्रार्थना करता हूँ कि इस व्यक्ति को की रक्षा करना, उसमें जरा भी चलित नहीं होना। ऐसा बात भी हम सुनते हैं। और आप देखिए कि इस त्यौहार है त्यौहार उनका वो महाराज भगवान स्वामीनारायण भी मनाते रहते थे, और उस समय में श्रीजी महाराज को माने स्वामीनारायण भगवान को प्रेमी भक्त और ऐसे रक्षा बांधते थे। प्रेमानंद स्वामी में भी नहीं लिखा है कि मलिए मोहन बाहें बांधी राखड़ी, हम भगवान को मिलते हैं ऐसे रक्षा बांध कर। और उन्होंने एक पद भी लिखा है, रक्षा बांधत हे महतारी, रक्षा बांधत हे महतारी, ये प्रेमानंद का एक काव्य भी है। हमारे एक उत्तर गुजरात में एक करजीसण गांव है, वहाँ के एक गोविंद भाई उनको नारदीपुर के नाना भाई से सत्संग हुआ था। जब से उनको सत्संग हुआ तो हर श्रावण मास में वो पूर्णिमा के दिन वो जाते थे गढ़ड़ा माने गढ़पुर में, वहाँ भगवान स्वामीनारायण विराजमान रहते थे, और उनको रक्षा बांधने के लिए जाते थे। तो 100 मील जितना अंतर मेरे उनसे भी ज़्यादा करजेसन से गढ़ड़ा का है, बहुत बड़ा अंतर, वो चल के जाते थे। बहुत दिनों चलने के बाद वहाँ जाते, और बारिश का समय होता था
तो बांसकी मनटोपा वो भी सर पर रख के वो जाते थे और वहाँ जाकर और वो श्री जी महाराज को रक्षा बहुत प्रेम से वो बांधते रहते थे। ऐसी बात हमने सुनी है। सदगुरु आनंदानंद स्वामी, उन्होंने भी श्री जी महाराज को रक्षा बांधी थी, ऐसा उल्लेख घटड़ा मध्य प्रकरण के नौवें वचनामृत में आता है। और इस पर्व पर आप देखिए, प्रमुख स्वामी महाराज के पास और अभिमन स्वामी महाराज के पास हरिभक्त आते हैं और ये एकांतिक धर्म की रक्षा के लिए वो रक्षा प्राप्त करते हैं। स्वामी उनको ऐसे बांधते हैं, संत लोग भी उनको बांधते हैं। और इस पर्व का ऐसा अर्थ हुआ, ऐसा मांगना प्रमुख स्वामी महाराज के पास, महंत स्वामी महाराज के पास कि हे महाराज, हे स्वामी, आप में ही हमारा बंधन हो, ऐसी रक्षा हमारी करना। यही है सच्ची रक्षा बंधन, कि आप में ही हमारा बंधन हो, ऐसी रक्षा हम पर करना, यही है सच्चा रक्षा बंधन। अभी आज देखिए एक दूसरा एक और उत्सव भी साथ में है, यज्ञोपवीत धारण करने का, यज्ञोपवीत जिसको जनेऊ बोलते हैं। तो जो सामवेदी ब्राह्मण है उनको बात करके जितने दूसरे ब्राह्मण हैं और जिनको माने ये जनेऊ का अधिकार है, वो लोग आज के दिन जनेऊ बदलते हैं। हर वर्ष आज के दिन जनेऊ बदलते, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, बदलते हैं। यज्ञोपवीत में आप देखिए कि धागे होते हैं, मेन मुख्य तीन होते हैं, तीन, और तीन में फिर तीन तीन करके मिला के नौ होते हैं। और ये सब नव देव हैं, सर्व कार्यों में साक्षी रहते हैं और अशुभ से हमारी रक्षा करते हैं, और यही यज्ञोपवीत धारण करने का मर्म है। ये हमारी संस्कृति का यज्ञोपवीत ये प्रतीक है, वो जिसको अधिकार हो उनको जरूर धारण करना चाहिए, ये बात हमें जाननी चाहिए। और आप देखो जो विदर्भियों वो यज्ञोपवीत तोड़कर वो लोगों को अपने धर्म में लेते थे तो मरना पसंद करते थे, यज्ञोपवीत छोड़ना पसंद नहीं करते थे, ऐसा भी हमको बराबर मालूम है इतिहास। तो ये यज्ञोपवीत में क्या होता है, हमको बल प्राप्त होता है, हमको तेज प्राप्त होता है, भगवान भजने के लिए हमारे आयुष्य भी चाहिए, तो वो भी ये यज्ञोपवीत देती है। ये परम पवित्र है और ये यज्ञोपवीत हमारी संस्कृति का द्योतक है। और इस भावनाओं को हम अच्छी तरह से समझ सके और हमारी जिम्मेवारी का उन्होंने हमको पुनः पुनः वैसा हम उनसे समान हो, इसलिए हर वर्ष जनेऊ बदली जाती है, हर वर्ष में जनेऊ ये बदलाई जाती है। अब आगे एक भी कथा आती है कि भगवान के बहुत अवतार हमारे भारत पृथ्वी पर होते हैं, जैसे 24 अवतार तो हम जानते हैं, 24 अवतार, और उसके साथ तो बताया है भागवत में अवतार आहा असंख्य आहा, अवतार तो असंख्य बनते रहते हैं। तो आज के दिन एक हयग्रीव अवतार हुआ था, हयग्रीव अवतार, मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है हयग्रीव अवतार की। उनकी पूर्व भूमि कैसी है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए थे उस समय में उनके एक कान में से, कान का जो मेल होता है, कान का मेल, उनमें से मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए और वो ब्रह्मा को मारने के लिए तैयार हो गए और उनके पीछे दौड़े। और भगवान ब्रह्मा ने सोचा तो मर गए हम तो भगवान के पास पहुँचे, वो भगवान के पास पहुँचे और उस समय में भगवान से प्रार्थना करने लगे, तब भगवान जागृत हुए और उस समय में उन्होंने हयग्रीव अवतार लिया। हयग्रीव माना समझते हैं कि जो मस्तक का भाग है घोड़ा का होता है अश्व, और बाकी का मनुष्य का होता है हयग्रीव। हयग्रीव ऐसा उन्होंने जिसकी ग्रीवा माने अश्व जैसी है, ये अवतार धारण किया और ये दो दैत्यों के साथ युद्ध किया। 50,000 साल तक तो युद्ध हुआ लेकिन वो जीते नहीं जाते थे। फिर तो उस समय में वो जो दो दैत्य हैं ना, भगवान पर बहुत खुश हो गए कि हमारे के साथ लड़ने वाला तो सुरवीर है, हाँ बहुत अच्छा है लड़ने वाला। तो लोगों ने सामने कहा भगवान से, मांग जो मांगे मैं देता हूँ। ओ तो फिर भगवान ने कहा दूसरा कुछ नहीं मांगना है, आप लोगों का मृत्यु कैसे हो वो हमको बता दो। तो उस समय में तो क्षीर सागर में ये सब युद्ध होता था, तो उन्होंने ऐसे ही जवाब दे दिया, जहाँ कोई गीली ना हो और सूखी ना हो ऐसी जगह पर हम मरेंगे। तो भगवान ने अपने माने गोद में ये दोनों को ले लिए और सुदर्शन चक्र से दोनों का उद्धार कर दिया।
ऐसी बात भी आती है, तो ये बात भी जानी हुई है। और आगे आप बताइए कि आप सुनिए कि ये मार्कंडेय पुराण की कथा का मर्म तो यह है कि भगवान तो सदा जागृत ही रहते हैं, वो तो सोते नहीं है। हम सोते हैं माने हम तमोगुण में आ जाते हैं, तब हमारे कान में निंदा के भी शब्द पड़ते हैं और स्तुति के भी शब्द पड़ते हैं, और उसमें से काम और राग, वो दो दैत्य जन्म उनका जन्म होता है, काम और राग का जन्म होता है। देखो निंदा से हमारे कान में हुआ तो हमको बहुत बुरा लगता है और किसी को मारने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, और जो स्तुति होती है उसमें भी हम भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जब सम्मान हुआ हमारी स्तुति लोग करने लगे उसमें भी गिर जाते हैं, तो वो दो दैत्य जन्म प्राप्त करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, हमको ही मारने के लिए दौड़ते हैं, हमारे से निकले हुए दैत्य हमको ही मारने के लिए तैयार होते हैं। देखो काम है और रावण के पीछे पड़ा और मार के ही रहा, वो हम जानते हैं, तो ऐसा रहता है। और जो ऐसा जो राग है माने रंग राग, उसमें तो बहुत लोग गिरते हैं, राजा महाराजा देव दानव मानव सब राग में ही मरते हैं। इसलिए ये उसको आप भगवान की प्रार्थना करनी कि भगवान की प्रार्थना से काम और राग का संहार शक्य बनता है, ये कथा का मर्म समझना। ये जो मैल में से मधु कैटभ निकलते हैं, तो अभी मधु कैटभ है काम और राग है, और उनसे दूर होने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है, तो ये बात समझनी चाहिए। और अभी एक कथा और आती है जिसको गुजराती में नारियरी पूनम बोलते हैं। नारियर का शब्द संस्कृत में हिंदी में श्रीफल होता है, श्रीफल। देखो दरिया में माछीमार लोग रहते हैं, दरिया में लोग व्यापारी लोग अपने जो बड़े बड़े जहाज है वो उसमें कितने करोड़ों रुपये का माल की हेराफेरी करते रहते हैं, तो ये आप सब जानते हैं। तो फिर तो दरिया का तो दरिया में तो तूफान भी होते हैं, कभी तूफान बहुत बड़े तूफान होते हैं और महाकाय वैसे उनके माने भर्ती आ जाती है उसमें, ऐसी सब बातें बनती होती है, कभी तो हाई टाइड कभी लो टाइड ऐसी सब बातें दरिया में हमेशा बनती जाती है, और उसमें साइक्लोन भी दरिया में आ जाते हैं, दरिया में सुनामी भी आ जाता है अभी आजकल तो ऐसी भी तकलीफें होती है, कई नाव कई जहाज ये सब डूब जाते हैं, कहीं कहीं कभी भी टूटने नहीं वाली ऐसी टाइटेनिक भी टूट गई पहली सफ़र में, तो ऐसा सब होता है, तो ऐसी तब तकलीफें दरिया में होती रहती है। इसलिए जो मछुआरे लोग हैं और जो व्यापारी लोग हैं नाविक लोग हैं वो सब दरिया का पूजन करते हैं, दरिया देव का पूजन करते हैं, दरिया लाल की मूर्ति भी होती है, उनकी भी पूजा करने वाले भी एक वर्ग है, तो ये सब ये पूजा करते हैं। और दरिया कैसा है अपना जो सागर, वो तो स्थित प्रज्ञ जैसा है, और ये सागर का पूजन हमें करना चाहिए, स्थित प्रज्ञ का प्रतीक कि उसमें क्योंकि कितनी नदियाँ अंदर आ जाती है फिर वो स्थिर होता है, ऐसा है ना, आपूर्य माणा मचल प्रतिष्ठा, ऐसा जो सागर है तो उनकी पूजा। तो देखो भारत में कोंकण में और मलबार में बहुत प्रसिद्ध है, कोंकण प्रदेश है और मलबार है, उसमें ये दरिया की पूजा बहुत प्रसिद्ध है, और श्रीफल से पूजा होती है, उनको श्रीफल अपने नाव पर ऐसे करके तोड़ते हैं तो श्रीफल पूजा होती है, और समुद्र पूजन के कारण श्रीफल के द्वारा ये समुद्र पूजन होता है, इसलिए इस पूर्णिमा को माने ये बोलते हैं कि नारियरी पूर्णिमा, ऐसे शब्द से भी पुकारते हैं। अब हमारी बात अंत में हम सुने कि हमने भी जाने अनजाने इस संसार सागर में हम कूद पड़े हैं, ये संसार सागर में तो हम कूद पड़े हैं, और ये संसार सागर में आप देखिए कि काम क्रोधादि ऐसे मगरमच्छ भी बहुत है, माने बहुत मगरमच्छ भी है, और उसमें और माने बाढ़ आती रहती है, माने कभी आसमानी कभी सुल्तानी ऐसी बातें तो बनती ही रहती है, ये इसमें तो उसमें आप देखिए कि कभी हाई टाइड कभी लो टाइड, माने कुछ पैसे प्राप्त हो जाए कभी ना हो, कोरोना जैसी बीमारियां भी आ जाए, तो कितनी 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 बातें ये सब संसार सागर में ये सब हम उनका अनुभव करते हैं। और सुख दुख के महाकाय ऐसे जो वेव्स है वो भी ऐसे घूमते रहते हैं वहाँ, और उसमें झंझा नील आ जाता है, ये सब बातें बनती है दरिया में, तो ऐसे संसार को पार करना है और हमें भगवान के अक्षरधाम को पहुँचना है, वही जीवन का मनुष्य जीवन का ध्येय है, और यही अपना जीवन का सार्थक्य भी है। आप देखिए कि आज के दिन हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, ये श्रावणी पूर्णिमा का परम पवित्र दिन है जिसमें हिंडोला
दो लाख बोलते हैं दो लाख, वो सब लोग उसका भी दर्शन भगवान के मंदिरों में करते हैं। तो ऐसे समय पर हम प्रार्थना ऐसी करेंगे कि काम क्रोधादिक से हमारी रक्षा करें, हम कभी गिर जाए तो हमको ये भगवान हमको उठा ले, हमको ऐसी होश दे माने ऐसी अवेयरनेस दे कि हम इससे बच सके, ऐसी रक्षा हमें करे। और हम ऐसे करते करते अक्षरधाम तक, भगवान के धाम तक हम पहुंच जाए, ऐसी हम भगवान स्वामीनारायण और महंत स्वामी तक जो गुरु परंपरा है उनको प्रार्थना करते हैं। स्वामीनारायण भगवान की जय। हम सद्गुरु वर्य पूज्य विवेक सागर स्वामी जी के बहुत बहुत आभारी है, सुंदर कथावार्ता का उन्होंने हमें लाभ प्रदान किया। प्रमुख स्वामी महाराज, शताब्दी महोत्सव चल रहा है। प्रमुख स्वामी महाराज अनंत गुणों के महासागर थे। भगवान के जो कल्याणकारी गुण है वह प्रमुख स्वामी महाराज के अंदर थे, क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज भगवान का साक्षात स्वरूप थे। आइए प्रमुख स्वामी महाराज के ऐसे गुणों का दर्शन करते हैं प्रमुख स्वामी महाराज छवि कथा द्वारा, और तत्पश्चात गुरुहरि महंत स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज हमें गुरुहरि महंत स्वामी महाराज के द्वारा प्रकट मिले हैं। वही गुणातीत गुरु परंपरा के अंदर महंत स्वामी महाराज, जिनके अंदर भी भगवान के सभी कल्याणकारी गुण रहे हैं, उनका भी दर्शन करेंगे प्रमुख प्रसंगम के द्वारा। तो इन दोनों प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के गुणों का दर्शन करते हैं वीडियो के माध्यम से। मेरे अपने स्वजन, हाड़ेवा गुजरात, 26 फरवरी 1990, परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के विचरण का एक ही लक्ष्य था, मुमुक्षुओं को भगवान की ओर मोड़ना। आज ये सौभाग्य मिला था हाड़ेवा गांव के मुमुक्षुओं को। स्वामी श्री एक नूतन मंदिर के शिलान्यास के लिए यहां पधारे थे। विधि विधान और सभा कार्यक्रम के बाद स्वामी श्री एक एक हरिभक्त से मिलने बैठे। एक स्वजन की तरह उन्होंने सबकी बातें सुनी। उसके बाद स्वामी जी एक भाविक भक्त देसाई भाई के घर पधारे। उनके साथ मधुर गोष्ठी करके उन्हें प्रसाद भी दिया, परंतु देसाई भाई को और एक अभिलाषा थी कि स्वामी श्री मेरे पशुधन को भी पवित्र करें। स्वामी श्री को अगले गांव पहुंचना था, काफी देर हो चुकी थी, फिर भी स्वामी श्री ने एक एक पशु तक पहुंचकर प्रसादी जल का छिड़काव किया। स्वामी श्री की ये विनम्र सरलता देख देसाई भाई सोचने लगे कि भले ही प्रमुख स्वामी जी लाखों के गुरु हों, इतने महान संत हों, लेकिन मेरे लिए तो वे आप्तजन हैं, मेरे अपने स्वजन हैं। हां, लाखों मुमुक्षुओं के स्वजन, इस विरल संत को कोटि कोटि वंदन। कुटिया में करुणा निधान, कोठिया बोडेली गुजरात, 8 अगस्त 2018। गुजरात के नक्शे पर बड़ी कठिनाई से अपना अस्तित्व बता पाता कोठिया गांव। इसी गांव के गरीब किसान रामजी भाई की कुटिया में आज गुरुहरि महंत स्वामी महाराज पधारे थे। प्रवेश करते ही महंत स्वामी महाराज ने रामजी भाई एवं परिवारजनों का भक्ति पूर्वक स्वागत स्वीकार किया। प्राथमिक परिचय के बाद
हरिकृष्ण महाराज को मूंगफली शक्कर का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। स्वामी श्री ने बड़े उमंग से पूरी कुटिया में फूलों की वर्षा कर उसे पावन किया। परिवार के कुछ सदस्यों को व्यसन मुक्त कर स्वामी श्री ने रामजी भाई की मवेशियों को भी पावन किया। कुटिया के आंगन में हरिभक्तों को शुभाशीष देने के लिए खटिया पर विराजमान हुए, उनके खेत व्यवहार के समाचार पूछे। रामजी भाई का परिवार तो इस पारावार करुणा वर्षा में कब का भीग चुका था, उनका मन आनंद से फूला नहीं समाता था। लाखों के गुरु हरि स्वामी श्री, बड़े बड़े राजभवनों में स्वागत सम्मान प्राप्त करने वाले स्वामी श्री, विश्व भर के असंख्य लोगों के प्राण प्रिय स्वामी श्री आज मुझ गरीब के घर पधारे। भगवान तथा संत भक्त की जाति और बाह्य गुण से नहीं, उसकी भक्ति भावना से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए रामजी भाई के सालों पुराने अनकहे संकल्पों की पूर्ति के लिए अंतर्यामी स्वामी श्री स्वयं उनकी कुटिया में आए थे। आज करुणा निधान ने भक्ति से उभरती इस कुटिया को कालजयी बना दी। अब समय है धुन गाने का। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, सभी संतों हरिभक्तों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहे, सभी हरिभक्त तन मन और धन से सुखी रहे, और विश्व में ये कोरोना महामारी जो चल रही है वह उसका जल्द से जल्द अंत आ जाए, इस हेतु हम स्वामीनारायण महामंत्र की धुन गान में जुड़ते हैं। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
स्वामी नारायण 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 Swami Narayan, Swami Narayan, Swami Narayan, Swami Narayan. आइए अब समय है भगवान की आरती का, तो घर पर बैठकर आज की पारायण का, आज की रविवारीय सत्संग सभा का लाभ ले रहे सभी हरिभक्तों से निवेदन है कि अपने घर में दीप प्रज्वलित करेंगे। उससे पहले हम एक सूचना पर ध्यान देंगे। जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि पवित्र चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास में श्रवण भक्ति की बहुत महिमा है, हम पारायण का लाभ ले रहे हैं। इसी श्रृंखला में ये पारायण आगे भी चालू रहेगी, तो आप सभी से निवेदन है कि हर रोज़ hindisabha.baps.org इस पर रोज रात्रि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हमें पारायण का लाभ प्राप्त होता रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि इस पारायण का भी आप सभी अवश्य लाभ लीजिएगा। अब हम भगवान की आरती में जुड़ते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय अक्षर पुरुषोत्तम।
आइए अब सभा के अंत में ध्येय मंत्र और विदाई मंत्र के गान में जुड़ते हैं। सभी को जय स्वामी नारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मन विभाव्य दास भावेन स्वामी नारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं